वेल हेलो नमस्कार मेरे दगड़ियों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होला, फर्स्ट क्लास होला। और शादी के बाद पहली आउटिंग हो रही है, वो भी मेरे कजन की वजह से, क्योंकि मेरे कजन की शादी है देहरादून में। कजन भाई मेरी शादी में भी आया था, तो अभी पूरी फैमिली जो है वो शादी में जा रहे हैं। कजन मेरे भाई जयदीप सिंह नेगी की शादी में, और नेगी जी की शादी में सब लोग जाएंगे, मजे करेंगे। पूरी फैमिली आ गई है, नई बोली भी चल रही है साथ में, तो चलते हैं। सबसे बड़ा टास्क ये है कि सामान बहुत ज्यादा, और अब एक पर्सन और फैमिली में ऐड हो गया तो चीजें थोड़ी बढ़ गई हैं। पापा शाम की बस से निकल रहे हैं, वो वहीं देहरादून में मिलेंगे हमें, फटाफट चलते हैं। और भाई साहब टाइम में आपको बता दूं 3:30 के आसपास हो गए। प्लान था कि पहले 12-1 बजे निकल जाएंगे, और अभी बज गए हैं 3:30, तो पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी भाई, अच्छी खासी रात हो जाएगी, तो जल्दी निकलते हैं फटाफट। ऑलरेडी पूरी डिग्गी फुल हो रखी है, और सामान इसमें जो है वो भरे जा रहे हैं हम लोग, ज्यादा सामान हो गया। ऊपर से आपका वजन है, कैसे संभालेगी गाड़ी इतनी? ये 10 किलो, इसका भी तो बढ़ गया, 90 किलो हो गया। और ये देखो भाई, ये बड़ा एक्साइटेड रहे, जब भी ट्रैवलिंग के लिए रहते हैं ना, बड़ा एक्साइटेड रहता है। यहाँ पे सब लोग ऑलमोस्ट एडजस्ट हो गए हैं। तो यार अभी चलते हैं फटाफट, पेट्रोल भरवाना है, टायर प्रेशर चेक कराना है, उसके बाद निकलना भी है। 4-5-6 घंटे लग सकते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, जय 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 शिव शंकर। अभी रुक गए थे ओल्ड राव में, क्योंकि सब लोग सोने लग गए थे, तो मुझे लगा कि चाय वाय पी लेते हैं यार, थोड़ा ना नींद चली जाएगी बढ़िया से। चाची की गोद में सो रखा है अभी, और ये देखो अभी बिल्कुल नींद में। चलो चलो अंदर चलो, हवा चल लग रही होगी। यहाँ पे 6 बज चुके हैं हमें अभी ऑलमोस्ट, और पहुँचते पहुँचते पता नहीं कितना टाइम, यानी कि एटलीस्ट 3 घंटे और हैं अभी देहरादून टच करने में। लेट तो हम पहले हो गए थे, बट आराम आराम चलेंगे। अभी आ चुके हैं टोल पे, एक और टोल है। आज कुछ ज्यादा ही रश लग रहा है मुझे, मतलब ना नॉर्मल जैसे रहता है, क्या टाइम भी हो गया, बट कंपेरेटिवली जो है रश बहुत ज्यादा है। ट्रक तो भर के है भाई यहाँ पे यार, जहाँ देखो वहाँ ट्रक है। 2 घंटे से खराटे मार के सो रही थी। आ गए भाई, तुमने नींद पूरी कर ली, लेकिन हमने पहुँचा दिया तुम्हें टाइम पे, ठीक है। मेहमान रास्ते में मिल गया हमें यार, हम टाइम पे पहुँच गए ना। आपको लग रहा है 10-11 बजे के आसपास पहुंचेंगे हम लोग। एंट्री देखो भाई, क्या जबरदस्त एंट्री है, घर पूरा सजा हुआ है, और खाने वाने की व्यवस्था भी शायद यहीं पे आ गए। मामा जी आ गए हैं। मामा जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, पहले बधाई आपको, बधाई हो मामा जी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे यार बधाई हो, एक ब्योला दूसरे ब्योले को, दूसरे को ब्योला बनाने आ गया। सही है, एक्सपीरियंस मैं सारा बता दूंगा ना भाई को, आपकी कैसे क्या करना है, कितना हंसना है, कितना नहीं हंसना है, सब बता दूंगा। अजय दूल्हे राजा। तो अभी भाभी जो है अनिकेत से गढ़वाली में बात करेंगी, कुछ जो 2-4 कुछ हो जाए जरा। क्या बात है भाई, अरे शादी में नहीं आए थे अभी, शादी में तो आए नहीं आप? नहीं बोलो, कल नहीं है, कल नहीं आया। नंबर भी नहीं पड़ गए मेरे पेपर, हमारे बारी पड़े तुम्हारे। ये मेरा मिक्स हो गया। ये देखो भाई, आते ही जो है हमारे खाने की व्यवस्था हो रही है बढ़िया से, यहाँ पे रोटी वोटी सेकी जा रही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन। नई बहू से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं हमें, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। काना क्या बोलेगा नानी को? नानी बोलेगा, नानी बोलेगा, बुढ़ी नानी। ये कैसा, मतलब जैसे, मतलब मेरी भी नानी और इसकी भी आप बुढ़ी नानी हो गए? अच्छा, उसकी भी बुढ़ी नानी हो जाएगी। सोने की तैयारी हो रही है, सब लोग यहाँ पे हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं, और यहाँ पे मम्मी के भाई खराटे चल रहे हैं बहुत तेज। भाई साहब, पर ये मानेगी नहीं मम्मी सुबह की मैं खराटे मार रही थी।
वेरी गुड मॉर्निंग. आज नाश्ते में क्या क्या है आज? आज है हलवा, खाली प्लेट की सब्जी, रोटी, चाय. क्या बात है, बढ़िया. पहाड़ी भैया भी आ गए. पहाड़ी भैया जी, जेडी भाई की शादी है. सब्जी, रोटी, पर जो भी है ये देखो. मैं अन्न का एक भी दाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरी बीवी नहीं खा लेती. मैं जा रहा हूँ अभी नहीं खा सकता. मैं नहीं खा रहा हूँ यार, मैं थोड़ा भूख लगी. वेस्ट मत करना. नहीं खा रहा हूँ, पूरा खा रहा हूँ. ये देखो एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अभी दिखाते हैं इसमें क्या है. हेलो, यहाँ पे सारी पहाड़ी भाई जी आ रखे हैं. लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब के लिए बोल दो. लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दे और नई शादी की बधाई जरूर दे दे. और मत धन्यवाद वो सब्सक्राइब कर लो अभी के भी. धन्यवाद 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 धन्यवाद. जय उत्तराखंड, जय देव, जय बद्री, जय हरे हरे महादेव, जय उत्तराखंड, जय बद्री. वाह एक जरा दूल्हे की मम्मी अगर एक कीर्तन अगर आपके एक गाना होता है वो जाए छोटा सा. नहीं अभी गाना जो है कि अभी कीर्तनों में हो रहे. कीर्तन है ना, अभी थोड़ी देर बाद तो समय सुना. मैं सोच रहा हूँ कि ये ना शादी में ले जाओ, मतलब बिल्कुल. और बारात जब जा रही हो उसमें चलो नाचो. हाँ ऐसा नहीं मिलेगा. जेरी की शादी ये देखो भाई, अपना दूल्हा बिल्कुल काम पे लगा हुआ है. बाइक वाइक इधर कर रहा है भाई साहब, लेकिन होता है भाई. और दूल्हे राजा भाई, आज के दिन भी काम कर रहे हो क्या? करना पड़ता है भाई, मेरे को पता है करना पड़ता है. कोई नहीं बढ़िया बढ़िया. नहीं एक बार और भूखी दे रहे. भूखी भूखी बोल देने ना भी पकड़ देना. नहीं बोनी बोले बुआ लंबी चबल लंबी है. ठंगरी जन है ठंगरी. यहाँ मतलब लग जा बल की बोल की बोल निवार लग जा यहाँ लंबी बुआरी. मेन बहुत मुश्किल होना आजकल भाई. और यहाँ पे घर के पीछे ही जो है खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है, तो लंच वगैरह जो है यहीं पे होगा. तो भाई अभी आ चुके हैं मशहूर देहरादून के घंटाघर के पास. और अभी यहाँ से देखते हैं क्या प्लान बनता है. अभी आ गए थे घंटाघर में और नई दुल्हन के साथ और हमारे बहनों के साथ हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने के लिए. अब जब आए हैं देहरादून तो थोड़ा बहुत घूम लेते हैं. तो कहाँ जाने का प्लान है हमारा? तो थोड़ा मंदिर जाना है हमें, उसके बाद फिर ऊपर कहीं चलते हैं. व्यू पॉइंट पे खाएंगे पियेंगे खाना वाना. मैगी पॉइंट पे थोड़ा बहुत खाएंगे यार. और मौसम का मजा लेंगे और नेचर का मजा लेंगे. तो अभी आ गए थे मंदिर में, मसूरी रोड पे जो मंदिर पड़ता है. यहाँ पहले भी आ चुके हैं हम लोग. पैसे नहीं चढ़ाते शायद यहाँ. तो मंदिर के जस्ट साइड में एक शॉप है जिसमें पूरा मंदिर का सामान मिलता है. भाई बढ़िया करके दर्शन हो गए हैं. इस वाले मंदिर में हम लोग पहली बार नहीं आ रहे. हम लोग पहले भी आ चुके हैं यहाँ पे. क्यों, कब आए थे हम लोग, याद है कुछ? जब हम ऋषिकेश आए थे उसके बाद हम जब देहरादून आए थे तब हम लोग इस मंदिर में आए थे. तब हम जोड़े में नहीं थे दोस्तों. आज हम जोड़े में आए हैं. हाँ तो वो कम्प्लीट हो चुका है, एक दर्शन कर लिया बढ़िया. और अभी हमारा प्लान है कि हम जा रहे हैं क्लाउड एंड पॉइंट. क्या है वहाँ पे तुम लोग जा रहे हो? वहाँ पे व्यू पॉइंट है. मेन तो सफर का मजा है और रास्ते का मजा है. वहाँ जाके फिर देखते हैं क्या करते हैं. चलो फिर चलते हैं. अभी आज धूप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा धूप है आज. मतलब दिन वाली धूप तो ऐसी है कि जो कि जैकेट वाली धूप नहीं है, टी शर्ट में आराम से बंदा घूम सकता है.
तो जी पहुंच गए हैं क्लाउड टेंट में और यहाँ पे पार्किंग अभी करेंगे हम लोग, और उसके बाद थोड़ा सा वॉक इन का रास्ता है यहाँ पे। देखते हैं कि ऐसा क्या है इस क्लाउड टेंट में जहाँ पे बादल दिखेंगे भी नहीं दिखेंगे। ओहो हवा चल रही है यार मस्त। ये देखो वेलकम टू मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्वच्छ मसूरी, सुंदर मसूरी। क्या ही मौसम है, बढ़िया हवा चल रही है, ठंडा ठंडा लग रहा है। चलो चलते हैं। ये देखो भाई, ओहो सही में क्लाउड टेंट लग रहा है यहाँ पे, बहुत स्टीप है यहाँ, इतनी ज्यादा ठंड है ना, जोली को ठंड लग गई भाई। ओहो यार इतनी तेज हवा चल रही है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड नहीं था इतना ठंडा होगा यहाँ पे। लो भाई हमने घोड़े मंगा दिए, हमने खच्चर है। चलो भाई हमने घोड़े मंगा दिए, बढ़िया स्वस्थ स्वस्थ खच्चर। तो भाई यहाँ पे एंट्री कर लिया अभी, और क्लाउड एंड ये है, मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ है, मुझे लगा ऐसी व्यू पॉइंट होगा यार कहीं पे, बट इन्होंने प्रॉपर यहाँ पे एक सेटअप बना रखा है चारों तरफ, है ना। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आपकी एंट्री फीस है 200 रुपीज़ पर पर्सन अडल्ट, बच्चों के लिए 100 रुपये है। उसके बाद इसमें तीन चार चीज़ें हैं, कोई फोटो गैलरी है, फोटो पॉइंट है, म्यूजियम भी है, तो दो चार चीज़ें हैं, और अंदर कैंटीन भी है। पर कैंटीन में वो पैसा जो है वो आप रिडीम नहीं कर सकते, उसका अलग आपको पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा प्रॉपर्टी दिख रहा है यहाँ पे, वैसे प्रॉपर्टी तो अच्छी बना रखी नो डाउट, बाकी देखते हैं कि 200 रुपये में वर्थ है भी कि नहीं है। तो ये म्यूजियम कुछ ऐसा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है काइंडली पीप थ्रू ग्लासेस, यानी कि आप अंदर नहीं जा सकते यार, आपको बाहर से देखना पड़ेगा। कुछ आइटम रखे हुए यहाँ पे, यहाँ पे भी मैं कुछ आइटम दिखा देता हूँ क्या है। ये देखो कुछ पुराने पुराने आइटम्स रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी कुछ क्रॉकरीज रखी, मतलब क्या है ये, मतलब क्या दिखा रहे हो भाई म्यूजियम के नाम पे यार, बहुत ही क्या बोलो। अब ये शेर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे, शेर की वो लग रही, खाल लग रही ना, ये पूरा शेर है भी कि नहीं भगवान जाने यार। हाँ लग तो रहा है यार ये। हाँ जी बाहर बाहर से देखना, कुछ टच नहीं करना, अंदर भी नहीं जाना। तो यहाँ पे ये है कैंटीन जहाँ पे ऑर्डर हमने दिया है, बूफे पूरा भर के दे दिया बूफे, इतना सारा आइटम मंगा लिया है। अभी इसका रिव्यू देता हूँ आपको थोड़ी देर में, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, ऑनेस्ट रिव्यू। मेगा वर्षा, ये झूले सिर्फ तुम्हारे लिए बनाए गए थे, इसमें आज तुम्हें झूलना है, इसमें 10 साल से कोई झूला नहीं, पता है। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। 200 रुपए में सब चीज करनी है तुम्हें, ध्यान रख लेना। कैसा अभी तक का रिव्यू? बहुत ही ठंड है, बहुत ही भयंकर, नजारे बहुत सुंदर, नज़ारे बहुत सुंदर है। हाँ नज़ारा तो देखो अच्छा है नो डाउट। 200 रुपये पर पर्सन टिकट बहुत ज़्यादा महंगी कर रखी है, उस हिसाब से कुछ है भी नहीं। या तो आप रिडीम कर लो कि 200 रुपये में बंदा कुछ खा ले तो बात अलग है, लेकिन वो भी नहीं कर सकता। म्यूजियम में आप बाहर से देख सकते हो, बस आए एक बाघ की वहाँ पे खाल लगी पूरी की पूरी, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि थोड़ा सा अरे वाह वाला फैक्टर होगा, अरे बाघ का पूरा शरीर का खाल लगा हुआ है वहाँ पर। बाकी यहाँ पे सामने तो कुछ खास है नहीं, देखो मतलब खास तो मतलब ठीक है, सोसो है यार, हम पहाड़ी लोगों के लिए ये चीज़ें क्या बड़ी बात है। बढ़िया से अभी खाना वाना खा लिया हमने, खाने में हमने मंगाया था चाय, मैगी, पराठे, तीनों ही अच्छा हो रहा था खाना, तो मतलब नो डाउट अच्छा है, पर 200 रुपये पर बंदा एंट्री मुझे अभी भी खटक रही है, क्योंकि कुछ वर्थ नहीं है मतलब ना यहाँ पे। म्यूजियम, व्यू पॉइंट, फोटो गैलरी, कैंटीन, टॉयलेट, इको पॉइंट। तो अभी जा रहे हैं हम लोग फोटो गैलरी में, देखते हैं ऐसा है क्या फोटो गैलरी में। दिस इज फोटो गैलरी, ओ नाइस, वाओ, ये हुई ना कुछ विंटेज वाली बात, लुक बहुत प्यारा है। फोटोज आप चेक कर लो, बहुत पुरानी पुरानी फोटोज हैं, एक बार दिखाता हूँ कुछ। अभी प्राची को लेके जा रहा हूँ मैं इको पॉइंट में, वहाँ पे जो है आवाज गूंजती है, आप क्या बोलेंगे, शादी हो गई है। शादी हो गई है, जाते जाते यहाँ साला बाघ का डर भी तो है, भयंकर दिखना है, वो जंगली जंगल है पूरा। तो भाई ये है इको पॉइंट, यहाँ से जो है वो अभी ये पॉइंट पे पहुंचू, थोड़ा पीछे रह यार, यहाँ बहुत स्टीप है भाई, देखो पूरा नीचे जा रखे, भीड़ गिरा तो बचेगा ही नहीं कोई। तो अभी यहाँ पे है वो इको पॉइंट, यहाँ से मैं एक बार टेस्ट करता हूँ। प्राची, हेलो, तुम्हें क्या बोलना है चिल्ला के, है नई नवेली दुल्हन थोड़ा चिल्लाती है ऐसे, अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ही चिल्लाता हूँ। गूंज तो रही है आवाज, मतलब मेरे बोलने के बाद 2 बार गूंज रही है, चिल्ला के भी क्या फायदा जब कोई सुनने वाला ही नहीं है। 200 रुपए गए पानी में, नीचे कुछ नहीं, एको पॉइंट है, और एको पॉइंट तो हम कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। मेघा मेघा मेघा, वर्षा वर्षा वर्षा, यही बस यही नीचे, और ज्यादा कुछ नहीं। सीधा घर की तरफ जा रहे हैं, और मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि नॉट रिकमेंडेड
फॉर लोकल पीपल एट ऑल, मत जाना, इससे बढ़िया किसी भी व्यू पॉइंट में बैठ जाओ, चाय मैगी पियो, खाओ और मस्त हो जाओ, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये बाहर के लोगों के लिए है।